हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऐड गूगल सर्च कंसोल टू गूगल एनालिटिक्स 4। जैसा कि आप जानते होंगे कि गूगल एनालिटिक्स 4 ने एक नया फीचर्स दिया हुआ है। वैसे पहले भी ये फीचर्स था, लेकिन अभी उसने कुछ अलग तरीके से दे रखा है कि किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल को आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको हम जानेंगे किस तरीके से सर्च कंसोल को एनालिटिक्स के अंदर कनेक्ट करेंगे, वो भी कितनी ईजी तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर। जैसा कि हम आ चुके हैं गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर, तो आज हम आए हैं फिर से वापस से अपने जीमेन्यू की वेबसाइट पे। आपको ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, अभी एक नई वेबसाइट है, अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ इसका रियल टाइम इंटरफेस है, कुछ यूजर्स हैं, 10 यूजर, न्यू यूजर, ठीक है, रेवेन्यू है, लास्ट 30 मिनट में कुछ आया नहीं है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डायरेक्ट रेफरल, कुछ भी ऐसे आपको पूरा शो कर रखा है। यहाँ पे देख रखे हैं कहाँ कहाँ से आपका जो है यूजर्स विजिट कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें। तो अब हम जानेंगे किस तरीके से कंसोल को कनेक्ट करें। तो कंसोल को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, ये एडमिन से रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अकाउंट सेटिंग हो गई, अकाउंट को एक्सेस कौन कौन कर सकता है, फिल्टर क्या क्या लगाना है, हिस्ट्री क्या है, और अगर आपने कुछ डिलीट किया है तो उसको भी यहाँ पे दिखा रखा है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेटअप की, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है गूगल सर्च कंसोल या आपकी गूगल एनालिटिक्स की, तो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ के साथ आपकी प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस किया जाता है, किसी दूसरे यूजर को किस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं आपका एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, उसकी भी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं नीचे। अगर हम आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च कंसोल लिंक का कनेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सर्च कंसोल की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखा, वो प्रॉपर्टी किस की टाइप की है, वो वेब स्ट्रीम, स्ट्रीम आई डी, लिंक्ड बाई और डेट लिंक्ड, ये सारी चीज़ें लिखी है। तो लिंक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिंक है सबसे पहले यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि गूगल जो एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी है वो गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, जो भी आपका प्रोडक्ट का डेटा है वो फ्लो और उसके बिटवीन वो आपको यहाँ पे शो करेगा सब चीज़ें यहाँ पे आपके कनेक्शन के दौरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट हो जाएगा कंसोल प्रॉपर्टी एनालिटिक्स के साथ साथ, और बहुत सारी प्रोफाइल जो भी अगर आप करना चाहते हैं वो भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक टू सर्च कंसोल प्रॉपर्टी मैनेज, यहाँ पे अकाउंट को चूज करेंगे। अकाउंट चूज करने के यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं लिंक प्रॉपर्टी आई मैनेज, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे कि हाँ मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैनेज के लिए कंफर्म कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है, हमारी जो कंसोल बना हुआ है वो आपका जीमेन्यू का ही बना हुआ है, और जो आपकी एनालिटिक्स बनी है वो भी आपकी जीमेन्यू, यानी अगर आप बात करें तो आपकी जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट का जो भी आपका कंसोल है और आपका एनालिटिक्स है वो सेम होना चाहिए, अलग आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट वन मैक्सिमम आ रहा है, कम से कम आपने एक कनेक्ट कर दिया है। एक कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ देख सकते हैं जीमेन्यू की प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो चुकी है यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं जो वेब स्ट्रीम है, वेब स्ट्रीम कौन कौन सी कर सकते हैं आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वेब स्ट्रीम भी हमारी एक ही वेबसाइट की है, तो हम इसी को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नेक्स्ट फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कंसोल और प्रॉपर्टी ये एक बार को सबमिट करने के, यानी रिव्यू करने के लिए दे रहा है कि रिव्यू कर लो सही ऐड की है या नहीं की है। अगर आपकी सही नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और सही है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सबमिट। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो रिजल्ट है वो देगा आपका। देख सकते हैं लिंक क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं जीमेन्यू के और दोनों तरीके से, ठीक है, लिंक क्रिएशन आपका लिखा हुआ है, आ गया है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी वेबसाइट का कंसोल और एनालिटिक्स को आप इजी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है तो इसको आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका कंसोल की जो प्रॉपर्टी है वो देख सकते हैं, यहाँ पे gmenu.com है। सर्च कंसोल प्रॉपर्टी टाइप क्या है, आपका URL प्रीफिक्स है, वेब स्ट्रीम भी आपकी gmenu है, स्ट्रीम आईडी आपकी दे रखी है, साथ के साथ किस ईमेल से आपकी लिंक्ड है वो भी ईमेल आपकी यहाँ पे शो कर रखी है, कब लिंक किया गया है वो दिखा रखा है। इस पे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं वही आपकी सेम चीज़ यहाँ पर शो कर रखी है।
तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये था हमारा कि कैसे गूगल सर्च कंसोल को आप एनालिटिक्स के अंदर कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे कि आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर गूगल एनालिटिक्स को किस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप भी अपनी वेबसाइट का SEO करवाना चाहते हैं तो हमें हमारे दिए गए नंबर पे या मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।